यहाँ पे हमारी स्कूटी हो चुकी थी खराब। अब ग्रीन की है, 20 रुपए की। हरियाणा का देसी हुक्का हमें मिला है जो कि मेरी मम्मी पीती हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में प्यारे से उत्तराखंड में। तो कल हम तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करके आए थे, तो चमोली में हमने रूम ले लिया था। ये रूम के बाहर का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये हमने यहाँ पे रूम लिया था, रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, साफ सुथरा एकदम। ये वाला हमारा होटल है। वो जो आप रास्ता देख रहे हैं वो चोपटा की तरफ से हम होते हुए चमोली आए थे, रात हम चमोली में स्टे करा था हमने। और उधर जो आप रास्ता देख रहे हो वो ऋषिकेश की तरफ जाता है, चमोली से ऋषिकेश 260 किलोमीटर के आसपास है। और हमको जाना है बद्रीनाथ की तरफ। ये जो आप हमारे होटल के नीचे से सड़क जा रही है इधर की तरफ, को ये बद्रीनाथ की तरफ जा रही है। और बद्रीनाथ यहाँ से 100 किलोमीटर के करीब है। बस हमारा सामान वगैरह पैक हो चुका है, अब निकलते हैं, बाइक पे बैग बांधते हैं। स्कूटी पर बैग तैयार हो गए हैं, अब वहाँ पे दूसरा बैग बन रहा है बाइक पर। एक बाइक पे है, दो स्कूटी पर, तीन बैग हैं हमारे। मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाए। अभी हमें गोविंद घाट में, और गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक जाता है, हेमकुंड साहिब का ट्रैक जाता है, और यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ निकल जाएंगे हम। बद्रीनाथ यहाँ से 25 किलोमीटर है, और वैली ऑफ फ्लावर की एल्टीट्यूड है 3460 और हेमकुंड साहिब का है एल्टीट्यूड 4329 मीटर। अभी यहाँ से बद्रीनाथ 25 किलोमीटर रह चुका है और हमारी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार है यहाँ का, बहुत रास्ते टूट रहे हैं। हाँ, और कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है सड़क पे, इसलिए धूल चढ़ाई एकदम धूल भी जाता है। चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और टाइम अभी 1 बज रहा है। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। और यहाँ पे हमारी स्कूटी हो चुकी थी ख़राब, अब थोड़ी बहुत ठीक हुई है और सामान फिर से उस पर पैक कर रहे हैं, बांध रहे हैं। परेशानी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहीं पे। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना नया सा है। माना विलेज पहुंच चुके हैं हम, जो भारत का पहले आखिरी गांव था। अब ये हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने भारत का पहला गांव बना दिया है। और अभी हम बोर्ड पर मोड़ पर खड़े हैं, अभी अंदर भी जाएंगे और दिखाते हैं वहां क्या क्या है और वहां की लोकलिटी जो भी चीज होंगी वो भी दिखाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये माना विलेज की तरफ जा रहा है और हम भी जा रहे हैं माना विलेज, देखते हैं हम भी माना विलेज अंदर से कैसा है।
ये माना गांव की एंट्री है, यहां से बाइक यहीं तक जाती हैं और सब लोग यहां से पैदल जाते हैं और हम भी पूरा गांव पैदल ही घूमेंगे। ग्रीन टी, ये ग्रीन टी है 20 रुपए की, ये यहां की लोकल ग्रीन टी है, लेनी है पी दी ना तुम ग्रीन टी। ठीक है भैया, ये पर्ची की दवाई है, पर्ची गलत है, कहां पर चक्कर लेठी। अच्छा, पथरी की माना विलेज की ये पतली पतली सी गलियां हैं, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं स्वयं गर्म कपड़ों की, और यहाँ की जो औरतें हैं लोकल वे सारी ऊन से स्वेटर बुनती हैं, जुराब बुनती हैं, टोपी बुनती हैं और भी बहुत सारे सामान बुन के बेचती हैं जिन्हें हम अपने घर अपने यहाँ की यादों के तौर पर ले जा सकते हैं। माना गांव की ये दुकान हमें सबसे अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा का देसी हुक्का हमें मिला है जो कि मेरी मम्मी पीती हैं हुक्का। अगर हम बाइक पे नहीं होते तो मैं अपनी मम्मी के लिए हुक्का जरूर लेके जाती यादों के तौर पर। तो दोस्तों अभी हम भीम पुल पर खड़े हैं और यहाँ से सिर्फ सरस्वती नदी यहीं से निकलती हुई दिखती है और कहीं भी जगह से नहीं दिखती है, और कहा जाता है कि पांडव भी यहीं से स्वर्ग के रास्ते गए थे और इसीलिए सरस्वती नदी के कारण ही माना गांव इतना पवित्र और इतना ज्यादा फेमस है। और पहले माना गांव इंडिया का लास्ट विलेज था पर अब पहला विलेज बन चुका है। अभी हमने माना विलेज पूरा घूम चुके हैं और इस माना विलेज की हमें एक बात अच्छी लगी, यहाँ पर घरों पर इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बना रखी है शिव जी की और भी बहुत अच्छे अच्छे बना रखी है, सामने दिख रहा होगा ये आपको। और अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर की तरफ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो इसके लिए बाय बाय। ये जर्नी मेरी नहीं।